अच्छा कंप्यूटर मैंने होस्ट बनाया है, प्लीज मेक मी होस्ट। स्टोरी रिवाइज आपने ऐसे लिखना है, ठीक है? ये जो मैं एक लाइन में लिखवा रही हूँ वो एक में लिखने की कोशिश करनी, नजदीक नजदीक लिखना है। कोई बात नहीं, लिखो। आर ई अभी आई एस ई बी रिवाइज माई फैमिली एफ ए एम आई एल वाई फैमिली। ए लिखा है ये? अच्छा ये ना चार फैमिली वर्ड्स नॉलेज डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड 35 वर्ड नॉलेज के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, ठीक है? ये फर्स्ट का आंसर है, टू लाइन दी है ना आपको फर्स्ट वाले में, वैसे बैठ बैठे और ये टू का आंसर राइट कर दी हूँ मैं। कोई बात नहीं, करवाए नहीं दिखाई दे रहा है आपको, वहां बैठ जाओ सामने, यहाँ बैठ जाओ। स्टोरी आपने क्या सीखा कल? मैंने आपको क्या करवाया था? नेमिंग वर्ड्स। तो आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? हाँ, तो ये लिखेंगे आई लर्न अ न्यू कंसेप्ट ऑफ नेमिंग वर्ड। आई लर्न एल ई ए आर लर्न अ न्यू कंसेप्ट। क्या हुआ? नीचे है ना लाइन एक और? हाँ तो लिखो फिर कॉन्सेप्ट सी ओ एन सी ई पी टी नेमिंग वर्ड। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको। करिए करिए शाबाश। आपको मैंने बन लिखा है, इसके नीचे टू लाइन है ना, तो यानी कि ये बन जो वाला ये जो टू लाइन है इन टू लाइन में कंप्लीट करना है। अगर फिर भी स्पेस दे रहे हो तो यहाँ साइड में छोटा सा नीचे लिख देना, और ये टू है, टू के नीचे भी टू लाइन है, तो ये जो टू वाला है ये नीचे वाली टू लाइन में कंप्लीट करना। देख लो मैम ने कैसे लिखा सुंदर सुंदर, आपने भी ऐसे राइट करना है। चलो लिखो जल्दी से।
आप भी जल्दी कंप्लीट करिए, शाबाश सभी। कार्तिक ईशानी हर्षित मंजरी गौरव ईशानी रियांश रियांश अभी हर्ष आराध्या अक्षिता अक्षिमान आज जो आरव आहान साइलेंट। अवनी कौंडल अनम्यूट योरसेल्फ। बच्चे अवनी कौंडल अनम्यूट योरसेल्फ। अवनी कौंडल आप सुन रहे हो मेरे को? अवनी आपने पेपर सबमिट कब करवाने हैं? मैम भेज दी, कोरियर कर दी है मैम हमने। हम पटियाला में है ना मैम? हाँ जी। कहाँ से? चंडीगढ़ से? नहीं मैम, पटियाला से। ओके तो ठीक है मैम। ओके हाँ जी मैम। ओके चलिए चलिए कंप्लीट करिए। रिधि गोरा अनम्यूट योरसेल्फ। रिधि गोरा मैम गुड मॉर्निंग बोलना। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने पेपर कब सबमिट करवाने हैं? देखिए पापा गए।
पापा गया। आज करवा देना ठीक है ना। हां जी पापा गए हैं। पापा हां जी मैं पापा गए हैं। ओके चलिए शाबाश कंप्लीट करिए सभी। ओके सेकंड भी करो। पूरा नहीं हुआ ये मेरे को लग रहा है। करिए शाबाश कंप्लीट जल्दी से। आप डिस्कवरिंग बुक लाए हो इंग्लिश की? मैं मेरे पास है। अच्छा रहने दो पूरा ही हो गया दोनों लाइनें। वेरी गुड। इन्होंने नीचे बोला है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बैट एंड फैट कैट। तो आपने एक बैट की पिक्चर बनानी है और एक फैट कैट की पिक्चर बनानी नीचे जो स्पेस है। ठीक है मैम आई हैव डन। कैट की पिक्चर आपको आती है? छोटा सा सर्कल यहाँ पे बड़ा सा सर्कल और इसकी आईज। ठीक है इसके इयर्स और यहाँ पे इसके ऐसे करके और यहाँ पे इसकी पूंछ बना दी। ठीक है ये फैट कैट बन गई। और बैट कैसे बनाना है आपने? बैट ऐसे करके एक सर्कल बनाया। ठीक है इसको आईज बनाई। ठीक है ऐसे इसको ऐसे करके ईयर बना दिए। फिर इसके नीचे भी ऐसे सर्कल बनाना कैट की तरह। ठीक है फिर इसको ऐसे करके इसके क्या बना देने पंख बना देने। मेरे पास फेस कम था तो मैंने इकट्ठा बना लिया। आपने दूर दूर बनाना बनाओ जल्दी शाबाश। कैट की तरह बनाना बैट को भी ना बैट को पंख लगा देने हैं बस। बेबी बैट ना बैट पेंसिल दो। शॉप नहीं की हो आप दे दो वो जो आप जिससे लिख रहे हैं वो वाली दे दो। आपने बेबी बैट और फैट कैट की पिक्चर बनानी है। ठीक है तो कैसे बनानी है आपने? फैट कैट ऐसे बनानी है ऐसे ए पिटाई पता ना कैसे होगी। ये फैट कैट बना दी। ठीक है ये फैट कैट है। आपने बेबी बैट कैसे बनाना है? बेबी बैट को भी ऐसे बनाना है एक सर्कल बनाना है इसमें इसकी आईज बनानी है। ठीक है और इसके ईयर्स बनाने हैं ऐसे करके। ठीक है और नीचे ऐसे ही सर्कल बनाना है। ओके यहाँ पे इसके पांव बना देने हैं और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है इसके पंख बना देने हैं ऐसे ऐसे करके। ये बन गया बैट। ये फैट कैट है। फैट कैट और ये बैट। प्रैक्टिस करो आ जाएंगे बनाने। ठीक है ऐसे करके आपने पिक्चर जो है वो ये कंप्लीट करनी है। तो ये आप बाद में भी बना सकते हैं। अभी आपने नेक्स्ट पेज जो है वो टर्न करना है। ठीक है नेक्स्ट पेज है यहाँ पे देखेंगे सभी है। डू यू थिंक बर्न बर फॉर एनिमल। आप उनको कुछ मिला एनिमल्स मिले ना वहां पे क्या क्या था? बैट था फिर और फॉक्स थी हैन था हैन थी। ठीक है तो यस पे टिक करेंगे फर्स्ट वाले में। पुलकित पहले इसको नेक्स्ट वाले को कंप्लीट कर। फर्स्ट वाले को टिक करेंगे यस को फर्स्ट में बाई ई एस यस पे के सामने टिक करेंगे। नंबर फाइव पे नेट एंड बेन हेल्प द बैट। वुड यू हैव हेल्प इट?
उन दोनों ने बैठ के हेल्प की, आप भी कर सकते थे, करोगे? तो यस पे टिक करो, बाई ई एस जहां पे लिखा है, फाइव वाले में भी वन पे। द मैन हेल्प्ड नेट एंड बेन पुट द बैट बैक ऑन द ट्री, दिस शोज दैट ही वाज अ डैश मैन। उसने आदमी ने क्या किया, उस को जो बैट था, बेबी बैट था, उसको वापिस जो वो ट्री में रख दिया, तो वो कैसा मैन था? काइंड मैन था, दयालु अच्छा था, या मीन मैन था, गंदा था? काइंड मैन। तो फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे, के आई एन डी, काइंड मैन। नेक्स्ट है, पीपल हु आर काइंड टू एनिमल आर गुड पीपल बट यू थिंक, ये बोल रहे हैं कि जो पीपल, जो भी लोग जो है वो एनिमल्स की हेल्प करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए ट्रू या फॉल्स, तो अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, तो ट्रू आएगा या फॉल्स? ट्रू। सो टिक इन फ्रंट ऑफ ट्रू। नेक्स्ट इज अ हार्ट एंड सेक्रेड पिजन इज सिटिंग ऑन योर विंडो, राइट टू लाइंस ऑन हाउ यू विल हेल्प इट, देन अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन योर लाइन। तो आपने इसको नेमिंग वर्ड को जो है वो आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना। ओके, तो ये लिखा आई विल, ये वाला लिख लिया सभी ने? चलो मैं, आपने लिखना आई विल, इसमें लिखा हुआ है ना, आप गिव, जी आई अभी ई गिव हिंदी लगी वो आई होता है, आप गलत लिख रहे, कल से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आप। पिजन सब नीचे लिखना, फूड एफ डब्ल्यू ओ डी, फूड एंड वाटर। ठीक है, तो आप उसको पिजन को क्या देंगे, फूड एंड वाटर। करेंगे कंप्लीट, वेरी गुड सभी।